फरमाया मा अखाफ अला उम्मती इल्ला सलासन, मुझे अपनी उम्मत पर ये खौफ है कि तीन काम इनके अंदर पाए जाएंगे, शुभम मुता, जो बखील आदमी हो उसकी इताअत की जाए, यानी बखील आदमी इस काबिल नहीं है कि उसकी बात को माना जाए। जब भी यानी आप किसी को देने लगे हैं, दूसरे ने कह दिया कि छोड़ यार इसकी क्या जरूरत है, उसने जब आपको रोक दिया है कि शुभ बखील इसकी बात का मान नहीं, ये बहुत ही बुरा फेल है, ऐसा बुरा फेल है, मेरे नबी ने फरमाया कि इसकी इताअत की जाए जो ऐसा बखील है। वहम मुत्तबा, फरमाया कि हर एक ऐसी ख्वाहिश हो जिसकी इत्तबा की जाए, जो दिल में आए वही करना है, दिल में आया मैंने ये कपड़ा पहनना है वही पहनना है, दिल में आया आज ये खाना हो वही खाना खाना है, दिल में आया आज ये काम करना है उसी में लग गए। फरमाया कि इंसान अपने नफ्स की हर बात को मानता रह जाए, इसका बड़ा खौफ है, जो इंसान अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहेगा, खतरा है कि क्यामत के दिन उसकी कोई ख्वाहिश भी पूरी ना हो सके। कभी अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा न करो। वह इमाम वालन, और फरमाया कि इन पर जो इनका हो, जिनका सदर हो, इनका अमीर मोमिनीन हो, इस कौम का बादशाह हो, और हो वो गुमराह, ऐसा इंसान इतनी गुमराही फैलाएगा कि सारी कौम को बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह ताला बचाए, फरमाया इमाम गुमराह हो ये भी बदतरीन हालत है। मेरे नबी ने फरमाया इस बात से भी मुझे डर है कहीं मेरी उम्मत गुमराह न हो जाए एक बेईमान की बात में आकर। फरमाया कि फिर ये भी खतरा है कि हर इंसान अपनी ख्वाहिश की इत्तबा करने लग जाए, ये भी खतरा है कि एक आदमी बखील है और वो बुखार की वजह से दूसरे को रोक रहा है कि उसकी इताअत की जाए। ये तीन काम ऐसे हैं मेरे नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुझे सख्त खौफ है। जब ये काम हो जाएंगे उस वक्त फरमाया किसी इंसान को हिदायत की बात करना गैर मुयस्सर हो जाएगी, उस वक्त कोई फायदा ना होगा जब ये चीजें जमा हो जाएं। अल्लाह आपको और मुझे ऐसे शहर से बचाए, और अल्लाह हम सबको हिदायत।